अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महविश मुश्ताक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज मुझे कुछ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना रेडी शेडी हुआ जाए और उसको सेलिब्रेट किया जाए। और आज है बहुत ही स्पेशल डे की सेलिब्रेशन। 2 साल पहले हमारी बात पक्की हुई थी, मेरी शादी की रिश्ता पक्का हुआ था। 2 साल हो गए हैं आज, और इस मौके पर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना छोटी सी सेलिब्रेशन की जाए। तो 2 साल पहले को अगर मैं याद करूँ ना, तो यार मुझे ना बचपन से ही ना मंगनी कराने का बड़ा शौक था। मतलब मुझे शादी का इतना नहीं कभी हुआ कि भाई वे तो शादी ना हो जाता तो यार शादी पे तो लड़की रोने लग जाती है। लेकिन जो ये जो इवेंट होता है ना मंगनी का, या फिर कोई रिश्ता पक्का होने का या बात पक्की होने का, तो ये मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते पीते हैं, अच्छा खाना होता है और मज़ा आता है, और ना मतलब बस एंड हो जाता है, आप अपने घर में ही रहते हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। और मंगनी में भी ऐसे होता है भाई, आप रेडी शेडी, आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है और आप हॉल में जाते हो तो तस्वीरें होती हैं सारा कुछ, तो ये बड़ा एक मज़े का फंक्शन होता है। तो मुझे ना ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती थी, तो मुझे हमेशा से शौक था कि मेरी ना मंगनी ज़रूर हो, मतलब शादी तो जब भी हो लेकिन मैंने मंगनी ज़रूर करानी है, मुझे ये बहुत शौक आता था। तो ऐसा हुआ कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ ना, जिस दिन पका हुआ, तो मैंने ना घर वाले तो सारे इकट्ठे हुए हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा यार के ना चलो ना मुझे सलामियाँ डालो, अब मेरा रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है मिठाई वगैरह है, खाली वेट क्या कहते हैं ऐसे ही तुम लोग ने मिठाई नहीं खानी, मुझे साथ में ना सलामी भी दो। तो अब्बू ने तो फ़ौरन से हामी भर ली, ठीक है उन्होंने तो जनाब फ़ौरन से मुझे ना 5,000 रुपये का नोट निकाल के दे दिया। तो अब बाकी थी बारी बाकियों की, तो उन्होंने देखा यार अब्बू ने स्टार्ट कर दिया, तो देखते ही देखते ऐसा हुआ कि माला माल हो गई, और इतने मतलब मेरे पास पैसे जमा हो गए थे, मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये ने मेरे बैठे बैठे जमा कर लिए थे। और मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई थी कि मैं यार ये तो बड़ा ही मज़े का फंक्शन है ना, तो ये तो अभी बात पक्की हुई, आगे मंगनी भी होगी तो और भी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होगी, समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह की मेमोरीज थी, तो मुझे बस ये वाली बहुत एक्साइटमेंट थी, और मैंने सबको बड़ी खुशी खुशी बताया था कि देखो मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए ये मेरी होगी, अब मेरी मंगनी भी करानी है। मैंने सबको कहते थे मेरी मंगनी होगी, वो पूछता था ना कोई मुझसे कहता भाई शादी, मेरी शादी नहीं पहले मैंने मंगनी करानी है। तो ये हाल था। और इसके अलावा चलिए चलते हैं केक लेने के लिए। केक वैसे मैंने 2 तरह के ट्राई कर चुकी हूँ, चॉकलेट केक भी ट्राई कर चुकी हूँ उनकी बर्थडे पे, जब मेरी हस्बैंड की बर्थडे थी तब मैं चॉकलेट केक ले रही थी, और इस दफ़ा लेके मैंने सोचा है कि इस दफ़ा मैं चॉकलेट केक हरगिज़ नहीं लेकर आऊँ, क्योंकि हर दफ़ा ना मैं बेईमान हो जाती हूँ चॉकलेट का देख के, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है यार, मतलब केक के ऊपर चॉकलेट हो तो यार दिल पिघल जाता है, पिघल जाती हूँ मैं वहाँ पर उसको देख के ना, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। तो लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया है, लास्ट टाइम में मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कहा था कि तुम हर दफ़ा चॉकलेट खा लेती हो, चॉकलेट केक इस दफ़ा तुमने नहीं लेकर आना, तो इस दफ़ा देखते हैं कौन सी वैरायटी है और उसमें से कोई सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ पेरिस बैंकेट, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर पेरिस बैंकेट के केक सबसे बेस्ट होते हैं मैं कहती हूँ, और ये आम छोटी मोटी बेकरियाँ भी यहाँ पे बनी हुई हैं जैसे हमारी होती हैं, लेकिन पेरिस बैंकेट का स्टैंडर्ड बहुत आला होता है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार केक किस्म का केक होता है, और मज़ा आ जाता है आपको ना। तो चलते हैं पेरिस बैंकेट्स और वहाँ से हम पसंद करेंगे एक केक और वहाँ लेकर आएंगे, और फिर बाकी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं आ चुकी हूँ पेरिस बैंकेट में, और ये सारी है वैरायटी वहाँ पर केक्स की, बहुत ही मज़े मज़े के केक लग रहे हैं यार, सारे ही बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। लेकिन आज मैंने ये गलती नहीं करनी, मैंने चॉकलेट केक हरगिज़ नहीं लेना, और यार मेरा दिल फिर भी इस ये लव वाले केक पर आ रहा था, और बाद में एंड पे मैं इन दोनों में से कोई डिसाइड कर रही थी और फाइनली मैंने एक चूज़ कर ही दिया, वो था ये वाला केक, क्योंकि ये बहुत ही मल्टी वो कलर्स में था, इसमें सारी वैरायटी थी, तो ये वाला केक मुझे काफ़ी यूनिक लग रहा था। और ये लेकर अब मैं जा रही हूँ वापस, और घर आने के बाद मैंने थोड़ी सी की डेकोर जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये तो मैंने स्टिकी नोट्स के साथ इसके सेलिब्रेट डेकोरेट किया था,
और ये है मेरी छोटी सी डेकोरेशन जिसमें मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, और साथ में ये मग है। ये मग मैंने अपनी शादी पर बनवाया था, और बाकी इतनी ख़ास कोई डेकोरेशन नहीं की थी, छोटी सी डेकोरेशन थी जो पहले से ही मेरे पास सामान अवेलेबल था, और साथ में तैयार करना था मैंने थोड़ा सा खाना। ये मैंने बना लिए थे उनके फेवरेट फेवरेट आलू और बैंगन के पकौड़े। तो इसको तैयार करने के बाद मैंने साथ में व्हाइट सॉस पास्ता भी बना लिया था, और साथ में कुछ रोटी शोटी भी तैयार कर ली थी, क्योंकि अकेले केक से पेट नहीं भरने वाला था, तो इसलिए बाकी सारा सामान भी रेडी कर लिया था। और ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की बनी थी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और कई कुछ कुछ दिन होते हैं जिसमें आपकी ना सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी बन जाती हैं, तो ऐसे लकी डेज होते हैं। तो ये है जो मैं आपको डेकोरेशन केक के साथ दिखाती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे, तो फिर मैंने उनका थोड़ा फ़ोटोशूट किया। फ़ोटोशूट करने के बाद हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने बग़ैर इंतज़ार किए पहले डिनर शिनर कंप्लीट किया, और डिनर करने के बाद फिर बारी थी केक की। कौन सा पार्ट था इंटर? ये मुझे सबसे मैजिकल था। कौन सा लग रहा है? ये वाला सेकंड नंबर पे, ये वाला थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। सबसे पहले ये वाला खाए। ये तो पहले ही कटे हुआ है। हम सीधा अपने साइज का कट कर लेंगे। Happy 2 years of love. Yum. और कॉफी जैसा टेस्ट है ना, कि ये कॉफी वाला फ्लेवर था। नेक्स्ट कौन सा करें? वो वाला। ये बहुत सॉफ्ट है ऊपर से, है ना? नहीं, इसको ऐसे ही सिर्फ काटो। ऐसे कट करो। यस। मेरा बड़ा दिल था मैं ना हाँ सारे फ्लेवर ट्राई करूं, और आज मुझे सारे फ्लेवर वाले मिल गया केक। देखो कितनी लेयर्स हैं इसमें, है ना? ये जैसे ब्लूबेरी का फ्लेवर होता है ना, तो है ही ब्लूबेरी। थर्ड वन मैंगो है। ये भी उसका कितना मजे का बनाया हुआ है इन्होंने। ओ यार, आप चेक करें पहले, मुझे मैंगो का टेस्ट नहीं आया। वैसे टोरिया में मैंगो का टेस्ट ऐसा ही तो नहीं होता। फीका। कैरेमल चॉकलेट। यस। है ना, उसको किसी ने नहीं पूछना। पूछना भी नहीं। सो लेट्स सी, दिस इज माय आल्सो फेवरेट वन। स्ट्रॉबेरी, वनीला स्ट्रॉबेरी। और ये तो पहले मैं चेक करूंगी। इट्स गुड। बर्फी लग रही है ये तो। यार वो सा उसी का, ये तो फुल क्रीम टाइप लग रहा है। ये पहले मैं ट्राई करती हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आया टेस्ट। ये बर्फी टाइप है, खोया टाइप है ना? खोया वाला। चलो उन टोटको। आप आपका कौन सा फेवरेट था सबसे? वैसे मुझे सबसे ज्यादा मजे का ना एक ये लगा, और सेकंड पे ये, और मुझे लास्ट वाला ही सही लगा थोड़ा। ये वाला खोए वाला। सो आई होप आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।